डे हमारा, ठीक है, इसको ऑन कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, कंपेयरिंग नंबर का है, ठीक है। इसमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू को तुम्हें लिखना है, ठीक है। तो देखो ये हमने एक्सरसाइज बनाई है, इसको अच्छी तरीके से करो। देखो पहले में क्या आएगा, 29-26, तो इसमें क्या आएगा बताओ। ग्रेटर, हाँ शाबाश। ग्रेटर का मतलब क्या होता है, जिसका मुंह खुला होता है, और लेस का मतलब क्या होता है, जिसकी कोनी हमारे पास लग रही होती है, और इक्वल दोनों आपस में बराबर होते हैं। सेकंड वाला करो, शाबाश शाबाश। सही से बनाओ, सही से बनाओ। ठीक है, थर्ड वाला देखो क्या बनेगा, थर्ड वाला बनाओ, क्या बनेगा बनाओ। फोर्थ वाला बनाओ, फाइव, शाबाश। सही से बनाओ, गलत बनाया, सही बनाओ। 28-29, व्हाट इज इट, 28-29, व्हाट इज इट, ओके गुड। 15-16, इज इट अ ग्रेटर और लेसर, यस लेसर, ओके। 19-18, जस्ट लुक इट केयरफुली, ओके। सो व्हाट विल, ओके, इट इज अ ग्रेटर और लेसर, यस इट इज अ ग्रेटर, ओके गुड। और हमारे पास ये क्या है, गुड, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमने कर ली जल्दी, ठीक है। इसके बाद हम इंग्लिश में यूजिंग कंजंक्शंस कर रहे हैं। कंजंक्शंस क्या होती है, तुम्हें बताया कि दो सेंटेंसेस को मिलाने में जो चीज़ मदद करे वो कंजंक्शंस के। जैसे आप, हमारे पास एक बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स के अंदर बहुत सारी कंजंक्शंस लिखी हुई, कौन कौन सी लिखी हुई, पढ़ो जरा। सो बट एंड और, ठीक है। तो तुमने पहले वाले में क्या भरा है, दिखाओ कैसे लिखा है तुमने, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द बॉय, क्या पढ़ा लिखा हुआ है, ये द बॉय हैज शूज, शूज डैश, डैश क्या लिखा हुआ है, तीसरा डैश शूज एंड सॉक्स। तो शूज के बराबर में तुमने क्या लिखा, शूज के बराबर में तुमने क्या लिखा, एंड लिखा, एंड इज अ कंजंक्शन, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है तुमने, He has क्या लिखा हुआ है, Not a fish, तो यहाँ पे क्या आया, तुमने क्या लिखा, बर्ड लिख दिया, ठीक है। इसके बाद तीसरा वाला क्या लिखा है तुमने, देखो, She picks a cookie. डैश आइसक्रीम, तो दोनों में से कोई एक चीज लिखनी है, तुमने क्या लिखा यहाँ पे, और लिख दिया। इसके बाद तीसरा तुमने क्या चूज किया, इट हैज नॉट डैश ऑफ अ, हाँ बताओ, इट इज नॉट डैश ऑफ द सन, तो इसमें क्या आएगा, बिकॉज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी कंजंक्शन चूज किया आपने, बिकॉज। तीसरी वाली देख लो क्या है, क्या करना है तुम्हें, सर्किल करने थे, ठीक है, कंजंक्शंस को सर्किल करना था। तो देखो पहला क्या लिखा हुआ है, सर्कल द बेस्ट वर्ड फॉर Each sentence and write in the space, ठीक है? जो इसमें हमारे पास आसानी क्या थी, हमारे पास एक boxes के अंदर conjunctions देती गई थी, देखा पेपर में भी इसी तरीके से आ जाता है। तो पहले क्या लिखा हुआ था, It is cold dash I wear my hot and my wit, तो हमारे पास and आएगा या so आएगा, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, so लिखा, okay। इसी तरीके से यहाँ पे हमने क्या लिखा था, I want cake dash I am not, क्या लिखा हुआ, आई एम नॉट अलाउड। तो उसमें दो चीजें थी हमारे पास, क्या चॉइस थी हमारे पास, बट था, और क्या था हमारे पास, और था, तो हमने कौन सा वाला लगाया था यहाँ पे, बट लगा दिया। इसी तरह तीसरा क्या था हमारे पास, हुआ आई वुड गो बट इट इज टू फार, ठीक है। तो ये दोनों हमने यहाँ पे लिख दिए थे। इसी तरह से अगला देखो क्या है, आई विल फिनिश माई होमवर्क एंड एंड या बट लिखा था, तो हमने यहाँ पे बट लिख दिया था एंड, ठीक है। इसके बाद क्या है, आई वॉश द डिशेस डैश पुट
वी पुट अवे पुट देम अवे तो एंड और बट वे हमने क्या लिखा है यहाँ पे बट एंड लिख दिया था ठीक है दो डिशेज का कंपैरिजन है इसलिए हमने एंड लिख दिया ठीक है समझ में आ रहा है कंपैरिजन किस तरीके से हो रहा है बस इसके बाद हमारा लास्ट है ठीक है आई नो माइकल डैश आई डोंट नो हिज ब्रदर तो क्या आ जाएगा और यहाँ पे और आ जाएगा ठीक है इट वॉज इट विल बी सनी डैश देयर विल बी नो गेम तो एंड और मैसेज फैंड ठीक है तो ये एक्सरसाइज कम्प्लीट हो गई ठीक है पार्ट्स ऑफ बॉडी का है ठीक है ये वाली पिक्चर हमने इसको तुमने लेबल किया है क्या क्या लिखा हुआ है बताओ जल्दी जल्दी देखे यहाँ पर लिखी है लिखाई है पर एर माउथ हैंड दिखाओ ये दिखाओ कहाँ का है कौन सा हैंड है ये क्या होता है उसका फुट टो आईज नोज नेक ठीक है आर्म फिंगर्स लेग अच्छा जब भी तुम यहाँ से कोई भी कर लिया करो मैंने तुम्हें बताया था यहाँ से क्रॉस कर दिया करो ताकि मिक्सअप ना हो ठीक है तो ये तुमने कर लिया जरा इसकी दूसरी कोई डायग्राम है पार्ट्स ऑफ बॉडी की ये भी देख लो ठीक है ये भी अच्छी है इसको भी तुम अच्छी तरीके से तुमने किया ठीक है सबसे पहले क्या क्या बताया तुमने क्या है सबसे पहले क्या चीज है इसका हेयर हेयर आईज हेयर नोज ओके फिंगर ओके लेग ओके फुट ओके आर्म ठीक है हैंड सही है माउथ सही है और मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ से तुमने क्रॉस करते चले गए ठीक है फिर ये क्या क्रॉस वर्ड था ठीक है इसमें तुमने क्रॉस बनाया लेबल किया जो चीज़ बनानी थी उसको लेबल कर दिया जैसे ये तुमने नोज को लेबल कर दिया फिर तुमने हेयर को कर दिया ये कौन सा चीज़ है हेयर है शोल्डर को नहीं किया तुमने शोल्डर यहाँ से शोल्डर यहाँ से शोल्डर यहाँ से करना है ठीक है इसी तरीके से फिर तुमने किसको कर दिया इसी तरह तुमने क्या क्या कर दिया फुट को कर दिया टो को कर दिया फिंगर को कर दिया लेग को कर दिया ये सारी चीज़ें तुमने ठीक है इसके साथ तुमने ये हरूफ पहचानने वाला उर्दू का थोड़ा सा हमने देख लिया हरूफ पहचानने का तो ये पेड़ किस पेड़ पे से आता है सूरज सीन से आता है पे से फौजी आता है बे से ठीक है ऐनक है ये तो ये ऐनक ऐन आएगा बे नहीं आएगा गलत लिखा है ठीक है इसको सही कर लेना ठीक है ये आ गया और इसके बाद ये दवाई आ गई ठीक है गुड ये एक छोटी सी मार्च थी यहाँ पे भी तुमने रेबिल कर दिया ये बहुत ही अच्छा कर दिया तुमने बिल्कुल सही किया ठीक है इसमें कोई मिस्टेक नहीं है सही है बाकी ये हमने पहले कर लिया था सही है ये सारी चीज़ें कम्प्लीट हो गई डे टू का काम हमारा पूरा हो गया और अब हम इंशाल्लाह ताला इसको कंटिन्यू करेंगे डे थ्री पे थैंक यू चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो से फायदा थैंक यू